आज 26 अप्रैल 2019 है और शुक्रवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2076 है और शक संवत 1941। वैशाख मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। सप्तमी तिथि है दोपहर 2:40 तक और उसके बाद अष्टमी तिथि है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र है रात 11:14 तक और उसके बाद श्रवण नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं मकर राशि में और आज मासिक कालाष्टमी है। मेष राशि वालों के मन में कामकाज को लेकर बहुत सारा भरोसा है कि आप बहुत कुछ कर पाएंगे, जिसमें आपका ज्ञान और आपकी क्षमताएं आपकी भरपूर मदद करेंगी। इसी भरोसे को बनाए रखें, लेकिन साथ ही साथ विनम्रता भी बनाए रखें ताकि आपके व्यवहार से आपका ही नुकसान न होता चला जाए। क्या करना चाहिए इस समय? कामकाज की स्थिति को बढ़ावा देने के लिए अपने मन में एकाग्रता बनानी होगी। ऐसे में लोगों की मदद भी मिलेगी और अपनों का साथ भी मिलेगा। इसी भरोसे की वजह से अपनी आर्थिक स्थिति को सही रूप से संभालना भी आसान हो जाएगा। वृषभ राशि वाले ये समझ लें कि किसी भी तरह के स्थान परिवर्तन की वजह से आपके दबाव बढ़ सकते हैं, पर मन में इच्छा बहुत है कि अपनी तकदीर को आजमाया जाए और शायद इसी बात को लेकर फिलहाल संभलने की भी जरूरत है। कोई भी अच्छी भली स्थिति अगर कमजोर पड़ती चली जाए तो उससे तो बचना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी मेहनत बनाए रखें, पर अपने आसपास के लोगों के विचारों को समझने की कोशिश कर लें। जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं उनकी बात को तो समझना ही पड़ेगा, ताकि किसी भी तरह की बढ़ती हुई चुनौतियों को भी समय रहते संभाल लिया जाए। मिथुन राशि वालों की अपनी तवज्जो और अपनी लगन से आपके हालात बेहतर हो रहे हैं, पर अपनी ही लापरवाही की वजह से कोई बेहतर होते हुए हालात भी किसी न किसी रूप से कमज़ोर पड़ रहे हैं। बढ़ते हुए खर्चों का दूसरा नाम नुकसान भी है, जिस ओर आपको थोड़ा सा ध्यान तो देना ही पड़ेगा। इस समय एक रुपया बचा लेने का मतलब यह है कि आपने वो एक रुपया और कमा लिया, इस रूप से सोचने की जरूरत पड़ेगी। कर्क राशि वालों के लिए कामकाज की स्थिति मजबूत है, उससे लगातार आमदनी का योग भी बना हुआ है। अगर आप किसी व्यापार या कारोबार में हैं तो उसमें पैसा लगाने की जरूरत भी पड़ सकती है, पर इस तरह के सारे प्रयास आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं, इस बात को याद रखें। क्या करना चाहिए समय में? आप लोगों की तरफदारी कर रहे हैं और लोगों की मदद भी करना चाह रहे हैं, पर इसके बावजूद विचारों के न मिलने से परेशानियां उभर कर आ सकती हैं। इसलिए जितना संभव हो सके अपनी विनम्रता अपनानी होगी। कामकाज के क्षेत्र में भी इसी वजह से किसी भी तरह के मतभेद से बचना होगा आपको। सिंह राशि वालों के हालात इसलिए मजबूत हैं क्योंकि आपका भरोसा आपसे बहुत कुछ करवा लेगा। बहुत कुछ करने की इच्छा भी है मन में, पर बहुत कुछ पा लेने की संभावनाएं भी बनी हुई हैं। आपका ज्ञान और आपकी क्षमताएं इसमें हर तरह से आपको मदद करेंगी ताकि कामकाज की स्थिति को और बेहतर किया जा सके। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों को संभाले रखने के लिए थोड़ी सी कोशिश और करनी पड़ेगी। अपने मन में बिठाए हुए नकारात्मक विचारों को हटा दें ताकि किसी भी छोटी से छोटी बात को बिगड़ने से संभाला जा सके। अपने मन को शांत रखेंगे तो ये सब कुछ करना बहुत आसान हो जाएगा। कन्या राशि वालों के खर्चे भी बढ़ सकते हैं और नुकसान भी हो सकता है, पर इसके पीछे आपकी भावुकता या आपके रिश्तों से जुड़ी इच्छाएं शामिल हो सकती हैं। इसलिए अपनी इच्छाओं को बढ़ाने से पहले अपनी सीमाओं को भी समझने की कोशिश करनी होगी। क्या करना चाहिए समय? जिंदगी की मुश्किलें भी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, पर अपने मन में लोगों के प्रति किसी भी तरह की कड़वाहट लाने से बचना होगा। बेहतर ये होगा कि उन मुश्किलों की वजह से अपनी प्रेरणा को जगा लिया जाए ताकि हालात भी उसी रूप से आपकी मदद करना शुरू कर दें। तुला राशि वालों को लोगों के प्रति मददगार बने रहने से आपसी रंजिशों को दूर करने में मदद जरूर मिलेगी। इसलिए आपको अपने विचार भी बहुत विनम्रता से रखने होंगे ताकि लोग आपकी बात को भलीभांति समझ सकें, पर इस बात को याद रखें कि आपकी मदद को लोग आपकी कमजोरी ना समझ ले गए। क्या करना चाहिए समय में? जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें बार बार अपने फैसले बदलते चले जाने से बचना होगा। अपनी कोशिशों को पहले बढ़ाकर फिर कम कर लेने से भी नुकसान होता है, क्योंकि ऐसा करने से लोगों का आपके प्रति नज़रिया बदल सकता है। ऐसे में अपनी कार्यक्षमताओं को भरोसे की नज़र से देखने से लाभ जरूर होगा। वृश्चिक राशि वालों की कामकाज की स्थिति ठीक है, लेकिन उसे ठीक बनाए रखने के लिए किसी भी तरह की बहस से बचना होगा। कोई भी बात बहुत आसानी से बिगड़ सकती है, इसलिए बचाव बनाए रखना ही इस समय जरूरी होगा। क्या करना चाहिए समय में? आप सही भी हों तो भी अपनी बात मनवाने के बजाय लोगों की बात ज़्यादा सुन लें और इस बात को समझ लें कि लोगों की बात में भी कोई ना कोई तर्क हो सकता है। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। धनु राशि वालों के लिए हालात हर तरह से मददगार हैं, पर उसका पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा, क्योंकि आपके बनते बिगड़ते विचारों की वजह से बहुत कुछ बहुत तेज़ी से बदलता चला जा रहा है। अपनी गलतियों को संभाल कर चलाने का समय है ये। क्या करना चाहिए समय में? कई तरह के अच्छे विकल्प हैं आपके सामने,
जिनके बारे में सोचा जा सकता है, पर अगर किसी चीज़ को लेकर हालात तेज़ी से बदले हैं तो उसमें हाथ डालने से फिलहाल बचना होगा, क्योंकि अच्छे भले हालात के पीछे भी नुकसान का अंदेशा हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा रुक जाना ही बेहतर। मकर राशि वालों के लिए रिश्तों की गरिमा बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि कई तरह की ऐसी रुकावटें हैं जिन्हें बहुत विनम्रता से संभालने की जरूरत पड़ेगी, और इस समय आपके मन में बिठाया हुआ असंतोष यही होने नहीं दे रहा। क्या करना चाहिए समय में? किसी भी तरह के असंतोष को मन से हटा दें, बल्कि ऐसा सोचने से भी बचें कि लोग क्या सोचते हैं और क्या कह रहे हैं। बेहतर ये होगा कि अपनी गलतियों को संभाल लिया जाए, जिसके चलते आपकी बचत पर असर आ सकता है। कुंभ राशि वालों का नज़रिया भी बेहतर हो रहा है और लोग भी आपको अच्छाई की नज़र से देख रहे हैं, इसलिए इस समय आपसी तालमेल बनाए रखने के लिए बहुत अच्छा समय है, जो आपकी ज़िंदगी में नई प्रेरणा ले आए। ऐसे किसी भी अच्छे समय का पूरा फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। लोगों की अच्छी सलाह से आप अपनी मेहनत को बढ़ा लें और उसी से अपनी ज़िंदगी को नई दिशा देने की कोशिश कर लें। ऐसा अच्छा समय बना हुआ है। क्या करना चाहिए समय में? अपने मन में बिठाई हुई परेशानियों को थामना होगा, क्योंकि वही आपके नुकसान का कारण बन सकती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा सोचने से और खासकर नकारात्मकता से सोचने से बचना होगा। मीन राशि वालों को अगर किसी परेशानी से बचना है तो अपने व्यवहार में बहुत सारी विनम्रता लानी होगी। विचारों के किसी भी मतभेद को बढ़ाना इस समय ठीक नहीं होगा, पर सेहत से जुड़े किसी भी मुद्दे में विचार विमर्श तो करना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज की स्थिति ऐसी है जिस पर थोड़ा सा ज़्यादा ही ध्यान देने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि ऐसा करने से ही नए रास्ते खुलेंगे। आपकी थोड़ी सी कोशिश आपके हालात को बेहतर करती चली जाएगी।